अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबूर हनान। तो आज की इस वीडियो में जाऊँगा अपने दोस्तों के साथ एक गांव जो कि बहुत खूबसूरत है, उसका नाम है ब्रंज के लिए। वहाँ पे जाएंगे पिकनिक के लिए। दोस्तों का मशवरा है क्योंकि हमें कहीं जाना था आज, तो सब दोस्तों ने कहा, अलग अलग जगह भी बताई लेकिन सबका मशवरा इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत पानी भी होता है थोड़ा बहुत और जगह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ जाएंगे, तफरी करेंगे, मजाक करेंगे, मज़े उड़ाएंगे और वीडियो भी करेंगे साथ साथ। तो आगे चलते हैं व्लॉग में, देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा सफ़र हुआ ख़त्म। जहाँ तक हमें आना था वहाँ तक पहुँच के अभी आगे देखेंगे, सामान वामान सेट करके फिर गपशप लगाएंगे। तो अब हम जहाँ पे हमें आना था वहाँ पे पहुँच के, सारे दोस्त यहाँ पे पहुँच के, रास्ता बहुत लंबा पड़ा और बीच का रास्ता थोड़ा ख़राब भी था जो आपने देख लिया। यहाँ पे अभी सबसे पहले हम चाय पियेंगे, उसके बाद खाना वाना भी बनाएंगे, उसके साथ खाना भी बन रहा है, लेकिन अभी चाय पियेंगे, उसके लिए पानी हम यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ थोड़े पाँव वाँव गिले करके नहाने की यहाँ जगह नहीं है, अभी थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, नहा भी नहीं सकते क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। थोड़ा चाय पी लेंगे, सस्ता लेंगे, उसके बाद फिर खाना वाना बना के गपशप करके फिर वीडियो करते जाएंगे साथ में इंशाल्लाह। यहाँ का व्यू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पानी भी ज़्यादा ठंडा नहीं है, मतलब अगर बंदा नहाए तो उसके बाद सर्दी नहीं लगेगी ज़्यादा। आवाज़ पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, इसी वजह से बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ, शायद आवाज़ अभी पता नहीं कैसे रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। मौसम भी बहुत साफ़ है, बारिश वारिश का कोई इम्कान नहीं है अभी करीब, क्योंकि उस बारिश हो के फिर पानी आगे पीछे का बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता और गंदा भी हो जाता है, पानी का कलर ख़राब है। पानी का कलर बिल्कुल प्योर और जगह भी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब गर्मी भी, हवा भी नहीं चल रही, बंदा नहा भी सकता है, उसके बाद सर्दी भी नहीं लगेगी। तो इस वक्त हम ब्रंज के लिए को पहुंच गए हैं, तो अभी थोड़ी कटिंग भी मैंने कर ली और उधर चाय भी पक रहे, दोस्त कुछ घूमने चले गए, अब आएंगे फिर इंशाल्लाह चाय भी पियेंगे, उसके बाद कढ़ाई का बंदोबस्त है। बहुत खूबसूरत जगह है, लोगों ने बताए थे लेकिन हम इधर पहली बार आए हैं, तो एंजॉय बहुत करेंगे इंशाल्लाह। खाना पकाने की टाइम बहुत है लेकिन हम लोगों ने, हमारे कुछ दोस्त नहा के ठंडे पानी में, अभी हम चाय बना रहे हैं। ये छोटा गोश्त है, हमने कुकर में उबाल लिया है, घर में उबाल लिया है, अभी बाकी यहाँ पे पकाएंगे और टेस्ट किया कि जायका अच्छा है कि नहीं। यहाँ पे ये पूरा पिकनिक पॉइंट है आगे पीछे, और ये रेस्ट हाउस बनाया हुआ है ताकि पिकनिक पॉइंट वाले जो भी लोग यहाँ पे आते वो यहीं पे ठहर जाए। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, हमने अपनी जगह बनाई हुई है, चाय भी बन रही है और खाना वाना बने की कुछ तैयारियाँ कर रहे हैं वहाँ पे, और दूसरे पिकनिक वाले भी आ गए, गाड़ी वहाँ खड़ी है, कहाँ गई वहाँ खड़ी है, वो भी यहाँ जगह बनाएंगे यहीं कहीं आगे पीछे, तो और भी जितने भी लोग आते जाएंगे वो भी यहीं जगह पर आते हैं, मतलब साया चाहिए सबको बनाने के लिए, सब कुछ आराम करने के लिए। पानी इतना अच्छा था कि मैं नहाने पर मजबूर हो गया और अभी नहा भी गया हूँ,
अच्छा मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप भी थोड़ा थोड़ा ज़बरदस्त धूप है, गर्मी भी नहीं है ज़्यादा, मौसम भी अच्छा है, कपड़े भी थोड़ा गीले है, सुखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब सूख जाए तो इंशाल्लाह चाय भी पियेंगे इंशाल्लाह दोस्तों के साथ। चाय तैयार हो गया, अभी चाय पियेंगे इंशाल्लाह। अभी खाना तैयार हुआ है, सबसे पहले खाना खाएंगे, उसके बाद फिर गेम खेलेंगे, लूडो खेलेंगे और भी नहाएंगे, जो भी मूड बनेगा वो करेंगे। सबसे पहले अभी खाना तैयार हुआ है, सारे खाना खाएंगे। खाना वाना खा लिया, खाने वाने से फारिग हुआ, थोड़ा लूडो खेल लिया और गेम खेल लिए थोड़े बहुत, अभी पानी की तरफ जा रहे हैं। अगर पानी गर्म हुआ और सर्दी तो आगे पीछे बहुत कम है, मतलब अभी तक बहुत ज्यादा बादल आए हुए थे, हवा बहुत तेज चल रही थी इसी वक्त, उस वक्त नहाया नहीं। अभी तकरीबन 4:30 बजे धूप निकली, अभी थोड़ा पानी देखेंगे, अगर पानी गर्म हुआ और सर्दी का इम्कान नहीं हुआ तो नहा लेंगे थोड़ा, उसके बाद फिर दोस्तों की तरफ जाते हैं। अभी तकरीबन 2-3 दोस्त इस तरफ आए हुए और बाकी दोस्त वहाँ बैठे हुए गेम खेल रहे, लूडो खेल रहे हैं। हम थोड़ा पानी देखेंगे, अगर पानी गहरा हुआ थोड़ा और गर्म हुआ तो नहा लेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आगे शॉट। खाना वाना सब कुछ खा लिया, गेम खेल लिया, जाने का वक्त आ गया। अभी मौसम भी खराब होने वाला है, बारिश अगर होगी तो रास्ते बंद हो जाएंगे, इसी वजह से हम थोड़ी देर पहले जा रहे हैं। सब बैठ गए, सामान वामान रख लिया, सब कुछ तैयार, अभी जाने की देरी है सर, बस गाड़ी जाने वाली है अभी।
तो यहाँ तक हमारी वीडियो हुई ख़त्म। सफ़र बहुत लंबा था और बहुत ज़्यादा थक गए, वहाँ पे खेले भी बहुत ज़्यादा, मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया। तो यहाँ तक हमारी वीडियो हुई ख़त्म। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ ताकि मेरे आने वाली सारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। सपोर्ट करो।